नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल में। आज मैं आपको एक ऐसा प्लगइन्स के बारे में बताने वाला हूं जो कि सभी म्यूजिक डायरेक्टर उस प्लगइन्स को यूज करते हैं और वोकल में शार्पनेस और बेहतरीन सुरीला आवाज को बनाते हैं उस प्लगइन्स को लगाकर। तो चलते हैं अपने डेस्कटॉप की तरफ, देखते हैं वो कौन सा प्लगइन्स है। उससे पहले, आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए, कमेंट कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर दबाइएगा, क्योंकि मैं इसी तरीके का फ्री में नॉलेज आप तक पहुंचाता रहता हूं। तो चलते हैं अपने डेस्कटॉप की तरफ, देखते हैं वो कौन सा प्लगइन्स है। देखिए, मैं एक प्रोजेक्ट बना लिया हूँ और उसमें एक वोकल ले लिया हूँ और इसमें कुछ इफेक्ट देखिए लगा रखा हूँ मैं, और इसमें आर रेटियो का मैं यूज करूंगा कि कैसे आर रेटियो को यूज किया जाता है। तो देखिए, मैं यहाँ पर गया, इसको पहले मैं वोकल को सुना देता हूँ। देखिए, मैं ऑटो ट्यून लगा रखा हूँ और यहाँ पर मोड डिले लगा रखा हूँ और ये आर बॉक्स मोनो लगा रखा हूँ। ये तीन में चीज रिकॉर्डिंग के टाइम ही यूज करता हूँ। रिकॉर्डिंग जो मैं करता हूँ तो वो चीज यही चीज है कि इसी को मैं वीएसटी को, ये जो प्लगइन्स है, इतना ही मैं प्लगइन्स लगाकर वोकल रिकॉर्ड में करता हूँ। तो इसी में देखिए, मैं लगाकर बता रहा हूँ आर रेटियो के बारे में। देखिये, यहाँ पर है आर रेटियो बॉक्स, ठीक, आर रेटियो बॉक्स यहाँ पर है और इसमें देखिये बहुत सारा नॉइस दिया है। इसमें मुझको भी, मतलब कि पहले पहले मैं भी कंफ्यूज हो गया था कि इसे क्या चीज है, ये कैसे हो रहा है, लेकिन फिर धीरे धीरे मैं इसको समझा कि कैसे इसको यूज करना है, कब कैसे करना है, कहाँ पर कितना वोकल में रखना है, इसको मैं समझा, तब मैं सोचा कि चलिए भाई बहुत बढ़िया है, मुझको बढ़िया लगा, तो मैं कहा कि आप तक मैं ये शेयर करूं। तो ये देखिए, यहाँ पर है वेलकम लिखा हुआ है, तो यहाँ पर आप क्लिक कीजिएगा तो इतना सारा वोकल का प्रीसेट दिया हुआ ऑलरेडी, जो कि वोकल में देखिए, ये अलग अलग वोकल में अलग तरीके से होता है। जो सॉफ्टवेयर बनाया है वो किसी वोकल पे, देखिए इसमें कितना प्रीसेट, दो दो चार एक दो छह है, तो छह वोकल मिक्स किया होगा, सभी में लगा लगा कर एक एक देखा होगा और प्रीसेट में सेव कर दिया कि प्रीसेट में कन्वर्ट कर दिया और इसमें जब सॉफ्टवेयर को बनाया है तो इसमें डाल दिया है कि आप लोग भी यूज कीजिए। इसको देखिए, यहाँ पर छह है तो छह में से देख लेना है कौन सा आपको यूज करना है। तो मैं देखता हूँ पहले कुछ कुछ हद तक। इसमें देखिए दूसरा वेरिएशन आ रहा है मोबाइल वाला, जैसे फोन पे बात नहीं किया जाता है, आप भी बात किए होंगे, तो उधर से दूसरा तरीका से आता है, इधर से दूसरा तरीका से जाता है आपका होगा। देखिए, एक ये वोकल के लिए बढ़िया लग रहा है और एक ये वाला बेसिक वोकल, ठीक, मैं इसी पे वर्क करता हूँ। देखिए, इसको मैं लगा दिया और उसमें देखिए इसको मैं कम कर रहा हूँ, इसको देखिए जीरो कर रहा हूँ तो बंद हो जा रहा है। ये देखिए कंप्रेसर है, ये गेन है, गेट जिसे लिखा है, ये देखिए कंप्रेसर है और यहाँ पर देखिए बेस है, ये ट्रेबल है, ठीक, नीचे कीजिएगा तो ट्रेबल कम होगा, ऊपर कीजिएगा तो अब देखिए ये कुछ नया चीज लग रहा है मुझको कि ये चीज क्या चीज है, आप भी दिमाग में सोच रहे होंगे, पहले पहले देखे हैं इसको तो आप भी सोच रहे होंगे ये चीज है क्या। तो यहाँ पर देखिए, इसको मैं यूज कर देखता हूँ। ये देखिए, जैसे पीछे में कर रहा हूँ तो उस तरीके से पतला पतला होता जा रहा है। जैसा कि एक होता है ना, तो बहुत ही बढ़िया लग रहा है, ये वोकल को काफी शार्पनेस बेस सब चीज इसमें मौजूद है। तो देखिए, यही केवल छेड़छा करना, बेसिक पे आप क्लिक कर लीजिएगा, बढ़िया है बेसिक, क्योंकि बेसिक कर कर आप छेड़छा हल्का फुल्का कर कर अपना वोकल में इसी तरीका से यूज कीजिएगा और ये बहुत ही बढ़िया प्लगइन्स है। और इसी का देखिए, ये कहाँ से मिलेगा आपके पास अगर नहीं रहेगा तो
तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से आप डाउनलोड कर लीजिएगा। और नीचे एक और वीडियो का लिंक दिया हूं, उसमें आपको इस जो लिंक दिया हूं इसका, उसमें पासवर्ड मिलेगा, जो कि आपको इसका एक मैं बताया हूं वीडियो में। ये देखिए ई कंप्रेसर के बारे में, ई कंप्रेसर उसमें जाइएगा, उसके भी डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। और जो ई कंप्रेसर है उसका वीडियो आपको देखना पड़ेगा इसके पासवर्ड के लिए, क्योंकि मैं इसमें पासवर्ड नहीं दिया हूं, उसी वीडियो में पासवर्ड आपको इसका मिलेगा। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करके बताइएगा। और फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक चलते हैं, जय हिंद।